आवर टॉपिक इज लेंस। सो इसमें देखो दो रिफ्रेक्टिंग सर्फेसेस होंगी। पहले मैं इनके शेप्स बना देता हूँ। जैसे ये जो शेप है, दिस इज डबल कॉन्वेक्स। ये हो जाएगा डबल कॉनकेव। एक फेस प्लेन है, दूसरा कॉन्वेक्स। सो दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स। उसी तरह से ये हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव। और भी शेप हो सकते हैं, जैसे कि ये लेंस हो जाएगा, देखो एक इसका साइड लेफ्ट वाला साइड कैसा है, कॉन्वेक्स। राइट वाला कॉनकेव। सो दिस इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अब इसमें देखो दो तरह की सरफेस हैं, सेंटर और रेडियस दो आ जाएंगे। जैसे कि लेफ्ट वाली जो सरफेस है उसका राइट साइड सेंटर आएगा और राइट वाली सरफेस का लेफ्ट साइड सेंटर आएगा। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ जिसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया डबल कॉन्वेक्स, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट की तरफ हो गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट की तरफ हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा आर वन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस हो जाएगा आर टू। अब ये जो डिस्टेंस है इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नेग्लिजिबल फॉर थिन लेंस। मतलब ये जो विड्थ है इसको हम विड्थ ऑफ लेंस कहते हैं, उसको हम नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं। सो शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, रेडियस को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो लेंस है इसका ये हो गया आर वन और ये हो गया आर टू, लाइक दिस। और प्लेन सरफेस के लिए रेडियस इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पर इंसिडेंट बीम अगर राइट की तरफ है तो देख सकते हो यहाँ पर आर वन नेगेटिव हो जाएगा, आर टू पॉजिटिव हो जाएगा। इंसिडेंट बीम इफ इट इज टेकन एज राइट वर्ड, सो आर वन इज नेगेटिव, आर टू इज पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन लगने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो इंसिडेंट बीम अगर राइट की तरफ है सो आर वन यहां से कैसा आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, आर टू नेगेटिव हो जाएगा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ये होता है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। म्यू क्या है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जैसे कि एक इसका बेसिक सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले देखो जैसे कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, सराउंडिंग में वाटर है, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, और ये जो लेंस है ये ग्लास का बना हुआ है, ये सरफेस वन है, ये सरफेस टू। सो आर वन की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, आर टू की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 3/2। तो इसका अब फोकल लेंथ हम कैसे निकालें, देखो 1/f इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो म्यू डब्ल्यू नीचे आ जाएगा माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2। सो 1/f इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, वाटर 4/3,
होल माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन बाय आर टू, आर टू यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, आर वन पॉजिटिव। सो देखो ये आ जाएगा नाइन बाय एट माइनस वन इंटू वन बाय टेन प्लस वन बाय ट्वेंटी, सो वन बाय एट इंटू थ्री बाय ट्वेंटी, सो फोकल लेंथ आ गया 160 बाय 3, 53.33 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट इज कॉन्वेक्स लेंस, शेप इसका कॉन्वेक्स लेंस है। और इसका नेचर कैसा माना जाता है? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग नेचर। पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब होता है कन्वर्जिंग नेचर। पॉजिटिव फोकल लेंथ मीन्स कन्वर्जिंग नेचर। और इसका शेप कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि शेप तो कॉन्वेक्स है, बट देखना एक चेंजेस दिखेंगे। अंदर जो है वाटर है और सराउंडिंग में ग्लास हो गया है। R1 की वैल्यू 10 ले लेते हैं, R2 की वैल्यू 15 ले लेते हैं। अब इसका फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो ग्लास का फोकल लेंथ होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3। अब यहाँ कैसे हम निकालेंगे फोकल लेंथ? तो देखो 1 अपॉन फोकल लेंथ, अब हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास इंटू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो ये वाटर का होता है 4/3, ग्लास का होता है 3/2, 1/R1, आर वन पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 1/R2, आर टू नेगेटिव में लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा 8/9 माइनस वन, 1/10 प्लस 1/15 माइनस 1/9 इंटू 25/150। फोकल लेंथ आया माइनस 54 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? कि इसका डाइवर्जिंग नेचर है। फोकल लेंथ इज नेगेटिव, यानी कि इसका डाइवर्जिंग नेचर आ गया, डाइवर्जिंग नेचर आ गया। बट इसका शेप क्या हो जाएगा? शेप तो देखो कॉन्वेक्स ही है, शेप इज कॉन्वेक्स बट द नेचर इज डाइवर्जिंग। और फोकल लेंथ आ गई माइनस 54 सेंटीमीटर, लेंस मेकर्स फॉर्मूला से। ओके, टॉपिक इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा वी बाय यू, विच इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, सो इरेक्ट इमेज कहा जाता है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए, सो इन्वर्टेड। मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन का अगर वन से ज़्यादा है, सो वी कॉल इट एनलार्ज्ड इमेज। मैग्नीट्यूड वन से छोटा है तो दैट इज डिमिनिश्ड इमेज। और साइन कन्वेंशन लगेगा वी यू और एफ तीनों में ही। सो देखो जैसे कि कॉन्वेक्स है लेंस, और उसको कन्वर्जिंग भी हम कहेंगे, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, तो इसका फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव लेना है, ध्यान रखना। और अगर डाइवर्जिंग लेंस है तो उसका शेप कब कैसा होता है? इस तरह से शेप होता है, कॉनकेव, कॉनकेव डाइवर्जिंग। ये कब लगेगा? जब लेंस का खुद का मीडियम डेंसर है, आउटसाइड रेयरर है।
अंदर डेंसर है, आउटसाइड रेयरर, और अगर अंदर रेयरर हो जाए आउटसाइड डेंसर हो जाए तो सिचुएशन उल्टी हो जाती है। ठीक है, एक डायग्राम मैं बना देता हूँ, जैसे कि ये लेंस है, अंदर रेयरर मीडियम है आउटसाइड डेंसर है, तो शेप तो कैसा है, कॉन्वेक्स शेप है, बट इसका कैरेक्टर नेचर कैसा हो जाएगा, ये डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। ठीक है, फोकल लेंथ इसका नेगेटिव होना चाहिए, और अगर ऐसा शेप आ जाए तो अंदर रेयरर है आउटसाइड डेंसर, तो शेप तो इसका कॉनकेव है, कॉनकेव शेप, फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव हो जाएगा। खासकर आईआईटी जेई में ये ध्यान ज़्यादा हमको रखना पड़ेगा। सो देखो, इस पर बेस्ड अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स काम करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, सॉरी नॉट थ्री, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, ऑल्सो इट्स नेचर, उनका नेचर भी बताना है। तो देखो, यहाँ फिर थोड़ा सा मैं रे डायग्राम बना देता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो, जैसे कि ये लेंस है, ये एफ हो गया, ये 2F, दोनों साइड होते हैं एफ एंड 2F। सो फोकल लेंथ क्वेश्चन में दिया है 20, और यू हो जाएगा -30। ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर है, तो इसको रे डायग्राम देख लो। इंसिडेंट रे हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, द अदर फोकस। दूसरी रे हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ ये जो पोल, सॉरी पोल बोलते हैं इसको, पोल और ऑप्टिक सेंटर भी बोलते हैं, ऑप्टिक सेंटर से पास करेगा लाइक दिस। तो ये बन गया है रियल इमेज, दिस इज रियल ऑब्जेक्ट। सो u कितना हो जाएगा, u इज -30, और v हमें फाइंड करना है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u विच इज -30। सो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, सो दैट इज 10/600। यहाँ से देखो, वी आ गया 60 सेंटीमीटर। हाँ, तो इसका प्रॉपर डायग्राम देखो ऐसा बनेगा, जैसे कि ये लेंस हो गया, बिटवीन एफ एंड 2F ऑब्जेक्ट है, सो बियॉन्ड 2F इमेज आती है उसकी। लाइक दिस, ये हो जाएगा रियल रियल इमेज। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं कन्वर्जिंग बीम का, दोनों ही लेंस के लिए एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस पर आकर एक कन्वर्जिंग बीम गिर रही है, कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट ऑन
कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सच दैट इट अपीयर्स टू कन्वर्ज 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस ऑन द अदर साइड. सो लिख लेते हैं कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस सच दैट इट अपीयर्स टू कन्वर्ज 20 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड. सो वही करना है फिर से लोकेट इमेज. सो देखो U क्या हो जाएगा, ये पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट, तो U हो जाएगा प्लस 20. देख सकते हो इंसिडेंट बीम राइट की तरफ है, ऑब्जेक्ट भी राइट साइड ही है, तो U पॉजिटिव हो जाएगा. F प्लस 10, V निकाल सकते हैं हम, कौन सा फॉर्मूला आएगा, 1 बाय F इज 1 बाय V माइनस 1 बाय U. सो 1 बाय V इज 1 बाय F प्लस 1 बाय U. सो 1 बाय F प्लस 1 बाय U. यहां से देखो V आ गया 20 बाय 3, 6.67 सेंटीमीटर. पॉजिटिव में है, इसका मतलब एक कन्वर्ज हो गया है. अगर मैं रे डायग्राम कंप्लीट करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल कन्वर्ज एट 6.67 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड. रेज कन्वर्ज एट 6.67 सेंटीमीटर ऑन अदर साइड. एक ऐसा ही क्वेश्चन कॉनकेव लेंस के लिए करते हैं. जैसे कि ये कॉनकेव लेंस है, इस पर आकर एक कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट हुआ और क्या डिस्टेंस पर हुआ है, 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ मान लो कुछ माइनस 10 मान लेते हैं, चलो. सो सेम क्वेश्चन है, बस अब यहाँ पर U हो जाएगा प्लस 20, फोकल लेंथ हो जाएगा माइनस 10. ये जो पॉइंट है दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. सो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 बाय U. 1 अपॉन माइनस 10 इज 1 बाय V माइनस 1 बाय U. सो 1 बाय V इज माइनस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 20. V आ गया माइनस 20. इसका मतलब देख सकते हो ये जैसे 20 है और माइनस 20 फिर लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो यहाँ से एक डाइवर्जिंग बीम ऐसी निकल गई है. आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंस बीम बिकम्स डाइवर्जिंग. बीम becomes diverging and कहाँ से आती नजर आ रही है, appear to come from 20 सेंटीमीटर behind the lens. तो ऐसे करते हैं हम ये वाले क्वेश्चन.